सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो ये जो सत्य घटना है, ये छत्तीसगढ़ बिलासपुर से है। तो बिलासपुर में ममता जी रहती है, उनका पूरा परिवार है, उनका एक बेटा है, एक बेटी है, बहुत सुखी परिवार है। और उन्होंने अपने घर में लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, जिनकी सेवा सब लोग मिलके बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से करते हैं। तो बहुत अच्छे से सब लोग उनकी सेवा करते हैं, बच्चे भी करते हैं, उनके हस्बैंड भी करते हैं, वो भी करते हैं, बड़ा सुखी परिवार है। एक बार क्या होता है कि ऐसे ही वो पूजा कर रही थी, पूजा करते करते उनके हाथ से लड्डू गोपाल गिर जाते हैं। और जब उन गिर जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे मेरे लड्डू गोपाल को चोट लगी हो। अब वो क्या करती हैं कि हल्दी वाला दूध जल्दी गर्म करती हैं और हल्दी वाला दूध उनको देती हैं और उनके हाथ में हल्दी का लेप करती हैं। कहते हैं ना, हल्दी लगाने से कहीं चोट लग जाती है तो दर्द कम हो जाता है, दर्द खिंच जाता है। तो ऐसे ही वो ममता जी करती हैं अपने लड्डू गोपाल को, मतलब उनको अपना बिल्कुल छोटा सा बच्चे के जैसे उनको उनका भाव था, एक जैसे वो ऐसे समझते थे कि मेरा ये छोटा बेटा है। ऐसे करके बड़े भाव से, बड़े प्यार से उनकी सेवा किया करती थी। ऐसे तैसे दिन निकलते गए। अब क्या हुआ कि जो उनका बेटा था, उनकी शादी, मतलब वो बड़ा हो गया, उनकी शादी के चर्चे होने लगे। और कुछ सालों के बाद, एक आध साल के बाद, उन्होंने एक अच्छी सी लड़की देख के उसकी शादी कर दी। तो देखने में तो लड़की बड़ी अच्छी थी, घर परिवार भी अच्छा था। ममता जी को लगा, चलिए बड़े अच्छी बहू आ रही है, लक्ष्मी आ रही है हमारे घर का। मतलब कहते हैं ना कि बहू अच्छी आए तो एक लक्ष्मी का रूप ही होती है, उसके घर का उद्धार हो जाता है, उन्नति होती है, तरक्की होती है। ऐसी ही वो ममता जी समझ रही थी कि वो भी ऐसे ही निकलेगी। बहू आई, अब उसकी शादी हो गई लड़के की। बहू बड़ी सुंदर थी, बहुत अच्छी थी, घर परिवार भी देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था। अब वो आती है। अब ममता जी को क्या होता है कि एक समय के साथ उम्र बढ़ती है, उम्र जब बढ़ती है तो कई बीमारियां हो जाती हैं। अब वो बुज़ुर्ग हो चली थी, अब उनसे इतना होता नहीं था, और बहू आ गई थी तो उन्होंने सारी जिम्मेदारी बहू को दे दी थी। तो बहू भी काम काज में निपुण थी, अच्छे से काम काज कर लेती थी, खाना पीना सब कुछ वही करती थी। अब क्या था कि अब इनको सिर्फ ममता जी को भगवान की सेवा, अपने लड्डू गोपाल की सुबह शाम दोपहर में जो जैसी सेवा करती थी वैसे करती रही। बहू अपने घर का काम काज कर ले और अपना खाना पीना बहू कर लेती थी। तो अब इनको भी थोड़ी सा काम कम हो गया, सिर्फ लड्डू गोपाल की सेवा ही करनी रह गई। एक दिन क्या होता है कि अचानक से ये ममता जी सुबह उठती हैं, और सुबह उठती हैं और उनको पता नहीं कैसे दरवाजे में पानी पड़ा था क्या है कि जैसे ही पैर रखती हैं उनका पैर फिसल जाता है। और जब पैर फिसल जाता है तो उनको मूंछ हो जा, मतलब पैर फिसलता है, मूंछ हो जाती है या क्रैक हो जाता है, कुछ हो जाता है। तो अब वो चल फिर नहीं पाती, हॉस्पिटल जाती हैं तो डॉक्टर उनको, मतलब वो कह देता है कि 10-15 दिन तक आप उठिएगा नहीं, चलिएगा नहीं ज़्यादा, क्योंकि उसमें चोट लगी है। और जो कच्चा वाला प्लास्टर होता है वो बांध देता है कि जिसमें आपका पैर जल्दी से वो ठीक हो जाए। ऐसे करके अब ममता जी चल फिर नहीं पाती हैं, वो बैठे बैठे अपने लड्डू गोपाल की किसी तरह नहला देती, उनकी सेवा कर देती। अब अपनी बहू से कहती, बेटा जैसे, क्योंकि उनकी बहू तो काम करती थी, सब कुछ खाना पीना करती थी, लेकिन ये जो ममता जी हैं, ममता जी अपने लड्डू गोपाल का खाना पीना, मतलब जो सात्विक भोजन बनता था वो सब कुछ, सुबह हलवा बना दें तो दोपहर में कुछ बना दें, मतलब जो भी उनका मन करता कि आज मैं अपने लड्डू गोपाल को ये खिलाऊं, या कि उनको ऐसा भाव लगता कि जैसे आज मेरे लड्डू गोपाल को ये खाना है ऐसे, तो वो अपने उसके लिए बना लेती थी, वो कर लेती थी। अब कैसे बनाए ममता जी, ममता जी के तो पैर में चोट लगी है, अब वो तो चल फिर नहीं सकती, ना तो कुछ कर सकती हैं, डॉक्टर ने भी साफ मना किया है, बस अब वो रेस्ट ही कर रही थी, अब नीचे बैठे बैठे का कुछ भी कर देती थी।
तो अब इनके मतलब लड्डू गोपाल की जिम्मेदारी उनके खाने पीने की सारी वो आ गई बहू के ऊपर। अब बहू एक दो दिन तो बड़े अच्छे से जो मतलब ममता जी ने बोला वो बना दी। अब बहू को बड़ी चिढ़ से छूटने लगी कि मैं अपना ये खाना बनाऊं कि वो, क्योंकि उनके यहाँ खाना सिर्फ लड्डू गोपाल के लिए सात्विक बनता था, बल्कि और बाकी खाना जो था उसमें लहसुन प्याज सब कुछ पड़ती थी, तो ऐसे करके खाना बनता था। लेकिन ममता जी ने साफ मना कर दिया था कि लड्डू गोपाल के लिए लहसुन प्याज का बहू खाना मत देना, सिर्फ बिना लहसुन प्याज का जो खाना बनाओगे, या कि लड्डू गोपाल के लिए थोड़ी सा खाना बना दिया करो बिना लहसुन प्याज का, जो भी तुम बना सको, लेकिन लहसुन प्याज उसमें नहीं डालना। ऐसे करके साफ मना कर दिया था। अगर तेरे को, और ये भी उन्होंने बोला था कि अगर तेरे को नहीं बनाना हो, अगर तेरे को अगर वो लगता हो तो तू मुझे बता देना, मैं खुद बना लूँगी, लेकिन कभी लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाना, नहीं तो मेरे लड्डू गोपाल भूखे रह जाएंगे, वो स्वीकार नहीं करेंगे और नाराज हो जाएंगे। वो ऐसे करके बहुत अच्छे से अपनी बहू को समझा देती हैं। लेकिन क्या था, एक दो दिन तो बहू बहुत अच्छे से खाना दे दी, सब कुछ कर दी। अब तीसरे दिन क्या होता है कि बहू को बड़ी मतलब चिढ़ सी छूटती है कि मैं ये वाला भी बनाऊँ, फिर वो वाला भी बनाऊँ, फिर तो मैं पूरे टाइम इसी में लगी रहूँगी और मुझे तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल पाएगा। ऐसे करके अब उसके मन में, क्योंकि वो पूजा पाठ करती नहीं थी, वो लड्डू गोपाल को मतलब भाव से कभी पूजा नहीं की, तो उसके अंदर लड्डू गोपाल के प्रति कोई भाव जगा ही नहीं। तो वो एक दिन होशियारी करती है, चालाकी करती है, वो सोचती है कि मम्मी को मैं बताऊंगी नहीं कि मैंने क्या बनाया है, और है तो ऐसे ही दे दूंगी। तो क्या करती है कि जब सुबह उसके हस्बैंड जाते हैं ऑफिस के लिए, और उसके जो ससुर हैं वो भी ऑफिस के लिए जाते हैं, तो इनके लिए ये खाना बनाती है लहसुन प्याज का, और वही खाना जो था वो दे देती है। जब ये ममता जी मांगती है कि बहू खाना ले आओ, भगवान लड्डू गोपाल का भोग लगाना है, तो वही खाने को ये दे देती है और कह देती है कि माँ जी मैंने लहसुन प्याज नहीं डाला है। ऐसे करके अब ममता जी को क्या पता कि उसने डाला है कि नहीं डाला। अब वो ममता जी भोग लगा देती है, भोग लगा के वो प्रसाद बोल देती है कि बेटा भोग लग गया है ले जाओ, या कि तुम खा लेना नहीं तो मुझे दे देना। तो वो कहती है नहीं माँ जी मैं खा लिया करूँगी, रोज़ आप भोग लगा दिया करिए, मैं खा लिया करूँगी। इसलिए ऐसे कह देती है क्योंकि अगर ममता जी खाएंगी तो उनको पता चल जाएगा, इसलिए वो कहती है कि माँ जी आप भोग लगा के मुझे दे दिया करो, मैं खा लिया करूँगी। अब क्या था, अब वो रोज़ बहू बहू तो बड़ी खुश कि चलो माँ जी को भी पता नहीं चला और मैं मुझे भी दो दो बार खाना बनाने नहीं पड़ा, मैं यही खाना बनाऊंगी और दे दिया करूंगी रोज़, और है तो ऐसे करके वो बड़ी खुश हो जाती है कि मैं मतलब काम से बच गई और मुझे इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब वो बहू जो थी अब वो रोज़ यही करने लगी, जब ममता जी पूजा पाठ कर ले नहला धुला दें भगवान को और ये भी खाना बना ले, और फिर वो ममता जी पूछे बहू ले आओ खाना ले आओ भगवान का भोग लगा दें, दूध वूध तो अच्छे से दे देती थी लेकिन जो खाना था वो लहसुन प्याज का बनाती, और वही खाना जब बल्कि एक आध बार पूछ लेती कि बहू लहसुन प्याज तो नहीं है ना अलग से बनाई, वो कहती कि जो बहू थी वो कह देती हाँ माँ जी मैंने अलग से बनाया है मेरे लड्डू गोपाल के लिए, ऐसे कह देती, और बड़ी खुश हो जाती कि लो कम से कम माँ जी को पता भी नहीं चल रहा है और लड्डू गोपाल का भोग भी लग जा रहा है और मुझे ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ रहा। इस बात से अब क्या होता है, ये तो ममता जी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। अब क्या होता है कि एक दिन ममता जी सो रही होती हैं, अब सोने में उनको एक छोटा सा बच्चा ऐसे रोते बिलखते हुए ऐसे बैठा है दरवाजे में और एक कटोरा लिया हुआ है, जैसे वो वाले बच्चे होते हैं ना कि जो बहुत दिनों से भूखे रहते हैं और कहते हैं मैया मुझे खाना दे दो, मैया मैं भूखा हूँ मुझे खाना दे दो, ऐसे जैसे जैसे वो करती हैं, और एकदम से ममता जी की नींद खुल जाती है। जब नींद खुल जाती है तो उनको बड़ी बेचैनी होने लगती है कि आज मुझे सपने में एक बच्चा क्यों दिखा और वो खाना मांग रहा है। अब जब सुबह होती है अपने हस्बैंड से बताती है, अपने बेटा से बताती है कि बेटा आज मुझे सपने में ऐसा दिखा एक बच्चा है भूखा है बहुत और मेरे से खाना मांग रहा है कि मैया मुझे खाना दे दो,
और उससे भी बताती हैं अपनी बहू से, तो बहू कहती है अरे माँ जी सपने हैं, सपने तो ऐसे ही आते रहते हैं, वो वैसे सपने आते हैं जिसके बारे में आप कभी सोचती भी नहीं हैं और ऐसे सपने आते हैं, तो सपनों को कभी सही नहीं मानना चाहिए, ऐसे करके वो बहू जो है ऐसे वो कर देती है। अब क्या था, फिर रोज का वही जैसे ममता जी पूजा पाठ करती, बहू से मांगती तो वो वही खाना दे देती है, और ममता जी भी बड़ी खुश की बहू चलो भगवान ने बहू हमको बहुत अच्छी दी, रोज़ पूजा करती और भगवान से मनाती कि हे भगवान ऐसी बहू सबको मिले, कितना ध्यान रखती है, कितना सब कुछ करती है, और कभी भी मैं कुछ बोलती हूँ कभी मना नहीं करती है, और बहुत अच्छे से देखो कितना खाना बना मतलब काम कर रही है, और अलग अलग से खाना भी बना के दे रही है, कभी मना नहीं करती। अब उनको क्या पता कि ये जो बहू है वो क्या करती है। अब फिर ममता जी क्या होता है कि फिर रात होती है, फिर ममता जी सोती हैं और फिर से अब सपने में फिर वही बच्चा दिखता है और एक कटोरा लिए हुए, और फिर कहता है कि माँ जी मुझे भूख लगी है, माँ मुझे भूख लगी है, मैया मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो, मैं इतने दिन हो गए मैंने खाना नहीं खाया है, मैया मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो मैया मैं भूखा हूँ माँ, ऐसे करके वो करती है। और ममता जी जैसे ही ऐसे सपना आता है ममता जी बड़ी बेचैन हो जाती है, परेशान हो जाती है कि ये सपना क्यों वही आ रहा है, भूखा कौन है बच्चा। अब वो जैसे सपना वो टूटता है उनका आधी रात में, अब वो आधी रात से जगती रहती है, वो हर जगह मतलब वो अपना ध्यान करती है कि इतना छोटा बच्चा कहाँ है, अब वो अपने मायके की तरफ ध्यान करती है कि मायके में है क्या कोई छोटा बच्चा, उनको लगता है कि नहीं वहाँ तो सब बच्चे बड़े हो गए, कोई किसी कोई भतीजे भी ऐसे नहीं हैं कि छोटे, कोई आस पड़ोस में भी इतना छोटा बच्चा नहीं है, फिर आखिर ये बच्चा है तो है कौन, कल भी मुझे वही बच्चा दिखा, आज भी मुझे वही बच्चा दिखा, और रोज़ भूखा है ऐसे करके वो करती है। अब क्या होता है कि अब वो फिर हस्बैंड से बताती है, सबसे बताती है घर में जैसे कल बताती है, तो बड़ी बेचैन रहती है। अब वो जाती है कन्हैया जी के पास सुबह, मतलब नहा धो के जैसे उनका रोज का रूटीन था, अब वो बैठती है कन्हैया जी की पूजा पाठ करने लगती है। अब कन्हैया जी से कहती है कन्हैया जी आज मेरे लड्डू गोपाल आज मुझे फिर वही सपना दिखा, तो लड्डू गोपाल मुझे कुछ पता नहीं चल रहा कन्हैया कि ये सपना क्यों आ रहा है और कौन सा ऐसा बच्चा है जो भूखा है, तो उनसे वो प्रार्थना करते हैं कि हे कन्हैया कभी किसी बच्चे को भूखा मत रखना, सबको भोजन देना, कभी कोई भूखा ना रहे, इतनी कृपा करना। अब उनको क्या पता कि उनका जो लड्डू गोपाल है वही भूखा है इतने दिनों से, वो तो दूसरे बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही हैं कि लड्डू गोपाल तो सबको मतलब खाना देना और कभी कोई बच्चा ऐसा भूखा ना रहे, उन्होंने तो कभी सपने में नहीं सोचा था कि 15 दिन से मेरा लड्डू गोपाल भूखा है, अब बताओ उसको कोई उनको कोई लहसुन प्याज का भोग लगाएगा वो कभी स्वीकार करेंगे, कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और इतने दिनों से उनकी ये जो ममता जी हैं, कब से इनके घर में लड्डू गोपाल हैं, तब से जब इनका बेटा बहुत छोटा था तब से इनके घर में लड्डू गोपाल है, और वो ममता जी का जो भाव था वो बच्चे के जैसे था। अब जब से इनके पैर में लगी थी तब से ये कुछ कर नहीं पा रही थी, बहू के आश्रित हो गई थी, तो उनको क्या पता कि ये बहू करती क्या है। अब वो बड़ी वो उदास रहती हैं कि हे भगवान कौन सा ऐसा बच्चा है जो भूखा है। अब वो फिर बहू से कहती हैं कि बहू ले आओ बेटा खाना ले आओ कन्हैया के लिए, लड्डू गोपाल के लिए लाओ भोग लगा दें, आज तो क्या होता है ऐसे चमत्कार करते हैं कि मैया तू जान जा, मैया तू पहचान जा कि ये खाने में लहसुन प्याज है। अब वो दुष्ट बहू उसको बिल्कुल भी ये नहीं कि मेरी कम से कम अगर उसको उसने नहीं किया था कोई बात नहीं, लेकिन वो इतने दिनों से देख रही थी कि मेरी जो सासू माँ है वो रोज़ भगवान के लिए बिना लहसुन प्याज का बनाती हैं, लेकिन अपने स्वार्थ की वजह से कि उसको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ जाएगी, इस स्वार्थ की वजह से कितना पाप कर रही थी। तो क्या होता है कि वो ममता जी मंगाती हैं कि बहू खाना ले आओ, तो वो जल्दी से वही खाना और है तो
एक थाली में, जो भगवान की थाली थी उसी में सब कुछ रख के ले आती है। ममता जी बड़ी खुश हो जाती हैं कि और कहती हैं लड्डू गोपाल से कि लड्डू गोपाल ऐसी बहू भगवान सबको दे, और उसको बहुत प्यार करती हैं कि कितना ख्याल रख रही है मेरा और मेरे लड्डू गोपाल का ऐसे करके। अब क्या होता है कि जैसे ही ममता जी खाना रखती हैं, मतलब थाली रखती हैं और मुड़ती हैं लोटा लेने के, मतलब पानी के लिए कि पानी भी रख लूँ, और पता नहीं कैसे उनका हाथ लगता है कि पूरी थाली गिर जाती है नीचे। जब पूरी थाली नीचे गिर जाती है तो उनको बड़ा वो लगता है कि भगवान लड्डू गोपाल क्या हो गया, ये इतने दिनों से मैं तुमको तुम्हारी सेवा कर रही हूँ, तुमको भोजन प्रसादी दे रही हूँ, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ, ये थाली क्यों गिर गई। फिर उनको वही सपना याद आ जाता है कि इस समय मुझे एक बच्चा भूखा भी दिख रहा है, क्या बात है। तो क्या होता है कि इतने दिनों से तो वो खा नहीं रही थी, भोग लगाती और बहू जल्दी से आती, खड़ी ही रहती कि कहीं माता जी ये खाना खाना ले, नहीं तो पता चल जाएगा, और है तो वो जल्दी से थाली ले लेती तो उनको पता भी नहीं चला। और आज जब वो थाली गिरती है तो उस थाली में जैसे ही गिरती है और उसमें दाल और सब्जी जब पलटती है थाली के नीचे, तो जब वो उठाने के लिए थाली कर मतलब खाना को करती हैं कि नीचे गिर गया है तो मैं साफ़ करके थाली में रख दूँ, जब वो देखती हैं थाली से मैं उठाने के लिए करती हैं तो वो देख के तो उनके आँखों से इतने आंसू गिरते हैं, इतना वो मतलब देख के इतनी दुखी हो जाती है, इतना रोने लगती है कि लड्डू गोपाल तू इतने दिन से भूखा था, मुझे तो पता ही नहीं था। और बहुत ज़्यादा बुलाती है अपनी बहू को, बोलती है बेटा, जब वो थाली देखती है ना, जब वो खाना रखने लगती है उस थाली में गिरा हुआ, तो देखती है कि उसमें तो प्याज पड़ी है और उसमें लहसुन के टुकड़े सब कुछ उसमें है, और ऐसे देख के वो इतनी दुखी होती है, इतना रोती है कि हे भगवान, हे मेरे लाल, इतने दिन से तू भूखा रह रहा था और मुझे माफ़ कर दे, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये दुष्ट बहू इतना ऐसा कुछ करेगी। अब वो बहू को बुलाती है और कहती है कि बेटा इधर आओ। अब वो आती है, अब उससे कहती है, उसको पहले समझाती है कि देख तुझे नहीं बनाना था, तो एक बार बोलती तो कि माँ जी मैं नहीं बना पाऊँगी, मैं तेरे से ज़बरदस्ती कभी नहीं कहती कि नहीं तुझे बनाना ही है, मैं खुद कैसे भी करके नीचे चूल्हा रख लेती, नीचे गैस रख लेती और मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए कुछ भी बना देती, वो बड़े प्यार से खा लेता, लेकिन देख तेरी वजह से 15 दिन से मेरा लड्डू गोपाल भूखा है। और मैं सपने वाली जो बात कह रही थी ना तुम लोगों से कि इतने दिन से कोई बच्चा मुझे दिख रहा है और भूखा और मुझे मतलब मेरे से खाना मांग रहा है कि मैया मुझे खाना दे दो, मैं भूखा हूँ, कोई और बच्चा नहीं, ये मेरा लड्डू गोपाल ही था जो इतने दिनों से भूखा था और मैं भर भर की थाली खा रही थी, पूरा घर खा रहा था और मेरा बच्चा भूखा था यहाँ पे। और ऐसे करके बहुत रोती है वो लड्डू गोपाल के सामने और बहुत माफ़ी मांगती है कि हे मेरे लाल, हे लड्डू गोपाल, मुझे माफ़ कर दे और आज से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। और फिर इस बात का एहसास उसकी बहू को भी हो जाता है, बहू भी वहाँ पर जाके अपनी सास के पैर पकड़ लेती है और कहती है कि माँ जी मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैं तो मतलब अज्ञानता से भूल बस मैं ऐसे कर रही थी और मुझे माफ़ कर दो, आप रो मत। उसके मतलब रोते हुए ऐसे करुण वेदना से उसका भी दर मतलब उसका जो दिल था ना वो भी पिघल गया, उसको लगा कि हाँ माँ जी कितना मानती और मैं कितनी दुष्ट हूँ कि मैं इतने दिनों से उनके साथ छल कर रही थी, कपट कर रही थी। उसको भी एहसास हो जाता है कि मैं ये जो कर रही थी वो बहुत गलत कर रही थी। और फिर वो वादा करती है अपनी सास से कि माँ जी मैं आज के बाद कितनी भी देर हो जाए, कैसे भी हो जाए, मैं आज के बाद कभी लहसुन प्याज डाल के कन्हैया का भोग नहीं लगाऊंगी, आपके लड्डू गोपाल का भोग नहीं लगाऊंगी और मुझे माफ़ कर दो। और फिर वो कहती है कि मेरे से माफ़ी मत मांग, मांगना है तो तू लड्डू गोपाल से मांग। फिर वो बहू लड्डू गोपाल के पास जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है कि हे लड्डू गोपाल, मैं 15 दिनों से आपके साथ जो गलत कर रही थी, जो आप
मेरी अज्ञानतावश या मूर्खतावश जो भी आप समझ लीजिए, मैं बहुत आपके साथ गलत की हूँ, उसकी सज़ा आप मुझे ज़रूर देना। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद ये गलती कभी नहीं होगी और मैं आपको सात्विक भोजन का भोग लगाऊंगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और ये मेरे से मूर्खतावश जो गलती हुई है आज के बाद कभी नहीं होगी। ऐसे करके वो बहुत रोती है, मंदिर के पास इतना रोती है कि ममता जी फिर जाती हैं, उसको चुप कराती हैं और कहती हैं कि तुझे अपनी भूल का एहसास हो गया, अपनी गलती का एहसास हो गया। यही बहुत बड़ी बात है क्योंकि ममता जी बहुत अच्छी थी, उनका तो जितना शब्दों में बोला जाए उतना कम है। बहुत अच्छी सास थी वो, बहुत अच्छी माँ थी, तो उसको बहुत अच्छे से समझा देती हैं, कहती हैं कि बेटा ये भगवान होते हैं, इनको अगर देख इतने दिन तक तूने भूखा रखा उनको और तुझे क्या लगा कि ये बहुत मतलब थोड़ी देर की लापरवाही से अगर तू आधा घंटा और अगर लग जाता काम में उससे क्या होता, और तू मेरे से बोल देती मैं खुद बना लेती। खूब अच्छे से समझाती है। फिर वो अपनी सास से भी बहुत माफ़ी मांगती, बहुत रोती है और आप अब उनके घर में कभी भी लहसुन प्याज ही छूट गई, उनके घर में लहसुन प्याज आती ही नहीं है और पूरा परिवार सात्विक भोजन करता है और बहुत अच्छे से लड्डू गोपाल की उनके घर में सेवा होती है। धन धान्य से भरपूर है उनका घर परिवार, बहुत अच्छे से मिलके रहते हैं। तो ये सब कुछ ममता जी कहती हैं कि ये सब कुछ लड्डू गोपाल की कृपा की वजह से है, उनकी वजह से ही हमारा परिवार इतना खुशहाल है। आज हमारी बहू को भी इस बात का एहसास हो गया, वो भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ऐसे कहती हैं कि हो गया, बचपना है, लड़की है, अगर अज्ञानता बस गलती हो गई और अगर देखो अगर उसमें चालाकी होशियारी होती तो वो झूठ बोल देती कि नहीं मैंने नहीं डाला ये, लेकिन उसने अपनी गलती एहसास उसको हुआ ना और उसने माफ़ी मांगी। तो ये सब कुछ लड्डू गोपाल की कृपा से है। हे लड्डू गोपाल, ऐसी कृपा सबके ऊपर बनाए रखना, हर परिवार को खुशहाल रखना, यही कामना करते हैं लड्डू गोपाल से कि हे भगवान, हे लड्डू गोपाल सबके ऊपर ऐसे अपनी कृपा दया दृष्टि बनाए रखना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।